बुलेटिन की छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है और संभावित नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली जाएंगे। नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। इससे पहले भी विष्णुदेव साय दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और मंत्रिमंडल में किसको जगह दिया जाना है इस पर चर्चा की गई थी। एक बार फिर अब आज दिल्ली का दौरा है विष्णुदेव साय का और कुछ ऐसे नाम हैं जिनका प्रस्ताव रख सकते हैं आलाकमान के सामने विष्णुदेव साय, और उस पर अभी मुहर लगनी बाकी है। हालांकि कई नाम ऐसे हैं जो रेस में हैं, फिलहाल देखना होगा कि आलाकमान किसे चुनता है। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मंत्रिमंडल में दो जगह खाली है, कौन कौन रेस में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल में दो जगह खाली है और इसका विस्तार जल्द होना है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली रवाना होंगे, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और हो सकता है कि सहमति बन जाए कि कौन मंत्री होंगे वो दो जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। आज दोपहर 2:55 पर जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे और वहाँ संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं उससे मिलेंगे, बैठक करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हुआ था, इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे और जेपी नड्डा से भी मिले थे। उन्हें जो छत्तीसगढ़ में काम काज चल रहे हैं, योजनाओं की जानकारी दी थी, वही सरकार किस तरीके से काम कर रही है इसकी भी जानकारी दी थी, मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि आज जो दिल्ली जा रहे हैं सीएम साय, तो वो कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक विषय है, निगम मंडल भी इसमें शामिल है कि निगम मंडल का भी विस्तार किया जाना है। अगले महीने मानसून सत्र शुरू हो जाएगा विधानसभा का, उससे पहले दो मंत्री पद जो हैं वो भरे जाने हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होनी है। और नाम की बात करें तो नए नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका दिया था संगठन ने, तो ऐसा माना जा रहा है कि नए नाम जो है सामने आ सकते हैं। रायपुर और दुर्ग संभाग से मंत्री होने की बात कही जा रही है, ऐसे में विधायक भी एक्टिव है और पुराने जो वरिष्ठ विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं मौके की तलाश कर रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन से दिल्ली दौरे भी लगातार कर रहे थे ताकि संगठन में जगह मिल जाए, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व का होने वाला है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का होने वाला है। संभवतः फर्स्ट वीक में ही जो कैबिनेट विस्तार के लिए हरी झंडी मिल जाए और नामों की घोषणा हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि आखिर कौन होगा मंत्रिमंडल का हिस्सा। रायपुर से खबर आ रही है, कांग्रेस हार की समीक्षा करेगी और वीरप्पा मोइली हरीश चौधरी समीक्षा करेंगे। हरीश चौधरी रायपुर पहुंच चुके हैं और आज वीरप्पा मोइली भी रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं दोनों और दोनों नेता हार की समीक्षा करेंगे। बहुत जरूरी है हार पर मंथन करना, क्योंकि जहां 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो महज 1 सीट पर ही सिमटकर कांग्रेस रह गई। हार का मंथन इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और हार की समीक्षा के लिए ही ये दोनों ही नेता रायपुर पहुंचेंगे और जो कमेटी के मेंबर हैं ये समीक्षा करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आकाश शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, जरूरी है हार पर मंथन करना, समीक्षा करना, जो दोनों ही नेता हैं वो पहुंचेंगे कब तक रायपुर और कैसे पूरी चर्चा की जाएगी, क्या बेस फैक्टर इसका बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, आज जो दोनों हैं संगठन के कांग्रेस के नेता जो है वो रायपुर पहुंच जाएंगे और बैठक लेंगे, समीक्षा होगी कांग्रेस की हार की, क्योंकि कांग्रेस की 2 चुनावों में लगातार बड़ी हार हुई थी। लोकसभा की बात करें तो पिछले बार 2 सीटें थी कांग्रेस के बाहर, इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो संगठन ने जैसे कहा था कि कम से कम 4 से 5 सीटें उन्हें मिल सकती, लेकिन 1 सीटों पर ही सिमट के रहेगी 11 सीटों में से। वहीं विधानसभा में भी बड़ी हार हुई थी, उसको लेकर भी चर्चा होगी और तमाम जो हार के बिंदु हैं, कार्यकर्ता क्यों नाराज हुए थे और कहाँ कहाँ डैमेज हुआ था जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ था, विधानसभा के हार के भी चर्चा होगी और लोकसभा के भी हार पर जो है मंथन होगा। साथ में नगरी निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसको भी मजबूती से लड़ने पर
कांग्रेस में सहमति बनेगी तो तमाम संगठन के जो है कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद होंगे। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो दोनों ही नेता रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद समीक्षा की जाएगी। ग्वालियर में खनिज विभाग की टीम पर हमला किया गया है। खनिज विभाग पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मोरार पुलिस ने आरोपी कान्हा यादव को पकड़ा है। बड़ा गांव इलाके में कान्हा ने हमला किया था। खनिज विभाग की टीम पर यह हमला उसने किया था। तो आरोपी कान्हा यादव को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। खनिज विभाग की टीम पर हमला किया गया था और अब पूछताछ का सिलसिला कि आखिर क्या वजह रही, जो इस तरीके से उसने हमला किया, इसके पीछे किन लोगों के हाथ है। हमले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशील कौशिक संवाददाता साझ गए। सुशील, खनिज विभाग की टीम पर हमला करने के पीछे की वजह क्या है, पता चल सकी क्या? बिल्कुल, देखिए करीब 3-4 दिन पहले का ये मामला था जब बड़ा गांव इलाके में खनिज विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। यहाँ उन्होंने एक डंपर को रोका था। उसी दौरान डंपर मालिक कान्हा यादव आ गए थे, उनके साथी भी आ गए थे और उन्होंने सरिये से हमला करने की कोशिश की खनिज विभाग की टीम पर। उसके अलावा वो धमकी देकर खाली जो डंपर है वो लेकर फरार हो गया था। और इस घटना के बाद पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की थी मुरार थाने में और उसी के सिलसिले में कल रात से छापामारी का काम जो चल रहा था उसमें कान्हा यादव जो मुख्य आरोपी है इस घटनाकांड के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही जो दूसरा एक और आरोपी है इसमें मनीष नाम का, उसकी तलाश में टीमें पुलिस की अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम था, इसमें कान्हा यादव ने जो है माइनिंग विभाग की टीम पर हमला किया था, कुचलने का प्रयास किया था और उसके बाद जो डंपर खाली कराकर ले भागा था। तो इसमें शासकीय कार्य सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज था कान्हा यादव सहित उनके साथियों पर। कान्हा यादव की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उनके बाकी जो साथी है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। लेकिन इस घटना ने ये साबित कर दिया था कि माफिया किस कदर हावी है जो पुलिस प्रशासन के अलावा माइनिंग की टीम पर भी हमला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर धार से है जहां ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। धामनौद के गणपति घाट की यह घटना है। ट्रक ने कार को टक्कर मारी, 3 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं कार की जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नवीन संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, हादसा कैसे हुआ और क्या अभी सब स्वस्थ हैं, ठीक हैं? हाँ बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है धामनौद के गणपति घाट की है। गणपति घाट पर जो है घाट उतरते समय जो एक ट्रक जो है उसके अचानक से ब्रेक फेल हुए और इसके बाद में वो आगे जा रही है कार से जा टकराया। वहीं इसमें जो है ट्रक भी जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और इसमें जो है 3 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोग जो कार में सवार थे और एक जो है वो ट्रक का जो है चालक था, वो तीनों ही लोग जो है ये गंभीर रूप से घायल है। और घटना की सूचना मिलने पर धामनौद थाना पुलिस और एम्बुलेंस से जो है वो मौके पर पहुंची है। उसके बाद में तीनों घायलों को जो है धामनौद के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से तीनों को प्राथमिक उपचार करने के बाद में जिला अस्पताल तीनों को रेफर किया गया है। तो अभी जो है जिला अस्पताल में तीनों घायलों का उपचार जो है फिलहाल जारी है और अभी इनकी स्थिति जो है स्थिर बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी साझा करने के लिए। शिवपुरी में बारिश का दौर शुरू होते ही सड़कों पर मगरमच्छों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मुक्तिधाम सड़क पर टहल रहा एक मगरमच्छ कैमरे में कैद हुआ है। गौरतलब है कि शहर के नदी नालों में बड़ी संख्या में मगरमच्छ हैं, जो बारिश शुरू होते ही सड़कों पर नजर आने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों को हमेशा मगरमच्छ के शिकार होने का डर सता रहा है। बीच सड़क पर मगरमच्छ को टहलते देखा गया और बारिश की वजह से क्योंकि अब ये सीधे रुक कर रहे हैं सड़कों की ओर, रिहायशी इलाकों की ओर, ऐसे में लोगों की जान पर बात आ सकती है। लोगों में दहशत है कि कहीं मगरमच्छ का वो शिकार ना हो जाए। तो सड़क पर मगरमच्छ की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले शायद ही आपने ऐसे देखा हो ये तस्वीर,
बीच सड़क पर मगरमच्छ को, बारिश के समय ये रिहायशी इलाकों की ओर रुख करने लगते हैं। अशोक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी नगर जो ताल तलैयों का शहर माना जाता है, यहाँ पर शहरी क्षेत्र में तमाम ताल तलैये हैं और बारिश के दिनों में जैसे ही बारिश होती है तो इसमें जो मगरमच्छ ताल तलैयों में वो सड़कों पर आ जाते हैं और रिहायशी इलाकों में भी निकलते हैं। तो बारिश के दिनों में मगरमच्छों का सड़क पर और रिहायशी इलाकों में निकलना यहाँ के लिए बिल्कुल आम बात है। और ये जो मगरमच्छ सड़क पर आते हैं वो एक ओर से निकलते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ तालाब है तो उनमें एक तालाब से निकल करके दूसरी तालाब में चले जाते हैं। जब कभी ये रिहायशी इलाकों में निकलते हैं तब इनकी रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है, उन्हें रेस्क्यू करके फिर तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के महाराजगंज में बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर गया। गोरखपुर सुनौली हाईवे के किनारे यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि रोड चौड़ा करने के दौरान मकान का आधा हिस्सा तोड़ा गया था। बारिश के बाद यह मकान अपने आप भरभरा कर गिर गया। वो तो गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मकान गिरने का वीडियो आप देखिए, जितने बार देखेंगे उतने बार आप चौंकेंगे, क्योंकि देखते ही देखते भरभरा कर यह मकान गिरा है। आधा हिस्सा इस मकान का सड़क बनाने के लिए तोड़ दिया गया था और जब तोड़ा गया था तभी से ये डामाडोल और जर्जर स्थिति में, इसमें कोई रहता नहीं था, लेकिन देखते ही देखते हल्की बारिश आंधी तूफान ने इस पूरे मकान को मिट्टी में मिला दिया। बारिश के चलते भरभरा कर ये मकान गिरा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर महाराजगंज की है, उत्तर प्रदेश के, और हादसे में गनीमत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ है। आधा मकान पहले ही तोड़ दिया गया था और उसी वक्त कंस्ट्रक्शन के समय ही कमज़ोर हो चुका था। बारिश जैसे हुई और आंधी तूफान ने इस पूरे ही मकान को मिट्टी में मिला दिया। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। हादसे में घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तेज बारिश की वजह से हादसा हुआ था और टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरा था। एक कार के दबने की भी तस्वीर सामने आई थी और एक शख्स की, दुख की बात यह है कि मौत हो गई है। मौजूद वहां पर और भी कई कारें खड़ी थी जो कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है तेज बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, दुख की बात ये कि जो कार दबी थी एक शख्स की मौत हो गई। देखिए ये बेहद दुखद घटना कही जा सकती है जिस तरह से यह हादसा हुआ है। इस हादसा में 8 लोग के जख्मी होने की और एक शख्स के मौत की औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। और जिस तरह से आज सुबह में ही हम जिक्र भी कर रहे थे कि हादसा बेहद कहा जा सकता है कि दिल को झकझोर देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि जो वहां के विजुअल्स हैं उस विजुअल्स को देख के समझा जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा रहा होगा। और जिस तरीके से ये जो लोहे के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो नीचे गिरे हैं और वहां पर कई ऐसी टैक्सी गाड़ियां वहां पे जो मौके पे मौजूद थी वो उस पर दब गए और दबने की वजह से जो कई गाड़ियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। 8 लोग जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही एक शख्स की मौत की औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। हालांकि कुछ लोग और भी गंभीर रूप से जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, कैसे ये टर्मिनल भरभरा के गिरा है, किस तरह से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वाला जो एरिया था क्या इसकी वजह रही है, तो इन तमाम मामलों को विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से एक जानकारी मिल रही थी कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है तो हादसा पे ये भी देखा जाएगा कि क्या जो लगातार जो बारिश हो रही है क्या ये भी वजह रही है या नहीं। हालांकि देखिए जो टर्मिनल को बनाया जाता है इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, चाहे वो भूकंप के हैं या बारिश के हैं या आंधी की बात करें, तो इन तमाम जो ऐसे हादसे हैं इससे कैसे जूझा जाए, किस तरह से बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्शन हो, इसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और ये अपने आप में एक बड़ा एक दुखद घटना कहा जा सकता है कि टर्मिनल दिल्ली का जो एयरपोर्ट टर्मिनल है डोमेस्टिक एयरपोर्ट,
ये बेहद खूबसूरत और एक आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है कहीं कहीं इस टर्मिनल पर भी अब सवाल उठना लाजमी है कि इसकी बुनियाद कैसी रही होगी या किस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। निश्चित तौर पे इस मामले पे आगे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और इसके साथ साथ मंत्रालय है इस मामले को बेहद गंभीरता से इस मामले में विचार करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से हादसा देखने को मिला है तो हो सकता है अगर सही तरीके से बुनियाद नहीं रहेगी या सही तरीके से कंस्ट्रक्शन अगर नहीं हुआ होगा तो आने वाले दिनों में भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी जरूर सतर्क हुआ होगा और इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री को लेकर कोई अपडेट? देखिए अभी तक इस मामले पे औपचारिक तौर पे कोई जानकारी और स्टेटमेंट जो है साझा नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले पे कई जो अधिकारी हैं वो भी मौके पे ही मौजूद हैं और उनका कहना है ये बेहद दुखद घटना है। इस मामले पर हम लोग राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो अन्य औपचारिकताएं हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट पे वो हम लोग तमाम उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं और इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर बयान भी जारी किया जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर बेहद खेद जताया है कि कैसे हुआ है, किस तरह से सारी चीजें हुई हैं। इन तमाम मामलों पर एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस मामले पर उसके बाद औपचारिक तौर पर तमाम बातों को साझा किया जाएगा। शुक्रिया काफी जानकारी साझा करने के लिए शंकर। दिया तले अंधेरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय यानी PHE की कमान जिसके हाथ में है, उनके ही विधानसभा क्षेत्र के गांव में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मंडला जिले के कई गांव में इन दिनों पीने के पानी की जमकर समस्या है। आलम तो ये है कि लोग फूटे हुए नल से रिस रहे गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। पथरीले रास्ते से गुजरते लोग पानी तलाश रहे हैं। माथे पर बर्तन लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और कह रहे हैं हमें पानी दो, हमें पानी दो। पानी के बिना सिर्फ मछली ही नहीं रह सकती, इंसान भी नहीं रह सकता। गले की प्यास इंसानों को मजबूर कर देती है नाले वाले गड्ढे से पानी निकालने तक। तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। जो मंडला की हैं, उस मंडला की जहां की विधायक कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी PHE कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके हैं और ये उनके विधानसभा में आने वाला गांव है, नाम है घाघा, जहां के ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ता है वो भी प्यास बुझाने के लिए। नल तो लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, जीना है तो पीना ही पड़ेगा ना, दूर से ले जाके या कहीं भी से लाकर। जीना है तो पीना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी दूर से पानी क्यों न लाना पड़े। ये ग्रामीणों का दर्द है, एक प्यास का दर्द है। ये इतने मजबूर हैं कि पथरीले रास्ते से होते हुए पानी की तलाश में मीलों नाप देते हैं। जो बेटियां इस गांव में ब्याह कर आई हैं वो तब से लेकर आज तक पानी के लिए संघर्ष कर रही हैं। जिनका जन्म इस गांव में हुआ वो भी बचपन से कह रहे हैं हमें पानी दो, हमें पानी दो। मेरी शादी को 7 साल हो गए, जब से यहाँ से पानी भर रही हूँ झिरिया जाना पड़ता है, कुआं जाना पड़ता है, सारी दोपहर घाम में जाना पड़ता है, तकलीफ बहुत ज्यादा पानी की समस्या यहाँ। पानी के लिए तरसते लोग अधिकारियों से लेकर विधायक मंत्री और सरपंच तक अपनी गुहार लेकर गए, लेकिन किसी ने इनकी प्यास नहीं बुझाई। हुआ भी शिकायत करे आई जिला पंचायत में भी, जहाँ तहाँ जाके शिकायत करे आई, सरपंच सचिव के भी बोले कोई नहीं पानी भरन के दे रही ना। अधिकारी कहते हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर की जा रही हैं तो ये ग्रामीण सालों और दशकों से प्यासे क्यों हैं? इनके नल में जल क्यों नहीं आता? क्या सिर्फ पाइप बिछा देने से इनकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं नहीं, वहाँ पर पुरानी योजना है उसके माध्यम से पानी मिल रहा है उनको, और वहाँ पर भी हमने पुनरीक्षित योजना तैयार करके शासन को भेजी है, उसके माध्यम से जल्दी वहाँ पर पाइपलाइन बिछा कर और पुनः मतलब नया कनेक्शन करवाएंगे। ये PHE के अधिकारी हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि गांव में पानी की इतनी समस्या भी है। कहते हैं योजनाएं आती हैं तो फिर सवाल ये कि अगर योजनाएं आती हैं तो लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिलता? आखिर कहां गड़बड़ी की जा रही है? कौन जिम्मेदार हैं? क्या उनके खिलाफ कभी जांच की जाएगी? ये मंडला के सिर्फ एक गाँव की बात नहीं बल्कि कई और गाँव हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मंडला से कृष्णा साहू, न्यूज 18।